उसके पापा को जानते नहीं हो, मैंने बोला था तुमसे पहले ही। क्यों लेकर आया इसको, कौन है ये? कुछ भी वीडियो बना दो। सॉरी बोल रहा हूँ भाई, कान पकड़ के। हेलो भाई, क्या हो गया? पापा। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अभी हम लोग फिर से आ गए कंपनी बाग आगरा वाले, और अपने साथ है गज्जी। आज हम लोग आए हैं गज्जी की मोहब्बत क्रश, गज्जी जिसे प्यार करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। ये पहला पहला प्यार है गज्जी का। अच्छा, पहला नहीं है, पांचवा दसवां प्यार है। प्यार है तो प्यार, बहुत बड़ा नहीं कि प्यार है, शिद्दत वाला प्यार हो। एक लड़की है इनके साथ की पढ़ती है, जो की कॉलेज में, ये वहाँ से उसको लाइक करते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। रीजन उसका ये है, उसके पापा जो है पुलिस में है और इनकी फटती है थोड़ा सा। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा भाई इम्प्रेस करता हूँ, और सबसे बड़ी बात गुस्सा भी बहुत तेज होता है उसको। कोई दिक्कत नहीं है, रॉबिन अपना खिलाड़ी है यार, जानते हो आप लोग। उसके पापा पुलिस में है, देखना कॉल कर देखना। बड़े बड़े पुलिस वालों को देख लिया। गाइस, आप लोगों को क्या लगता है, मैं इम्प्रेस कर पाऊंगा या नहीं? नहीं। आज इलाहाबाद का लड़का आगरा की लड़की को सेट कर ले जाएगा, देख लेना। उधर देखो गाइस, अभी भी ये वाली प्रथा चल रही है क्या, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। एकदम घूंघटे में, एकदम यहाँ तक पैक। तुम्हारा काम ये है कि तुमको जाना है उस लड़की के पास, वो ऐसे कैमरा चालू करके बोलना है, हे गाइस, का बोल देना मैंने व्लॉग चैनल चालू कर लिया अपना, पहली वीडियो में मेरी आओ, थोड़ा हेल्प कर दो। बोलेगी ठीक है, अगर बोलती है तो ठीक, नहीं बोलती है तो फिर देखा जाएगा। नहीं, उसका भी एक चैनल है ना। किस नाम से है उसका चैनल? काजल आगरा 202। ये अपने पास प्लस पॉइंट है तुम्हारा कैमरा चलाने, जा करके उसके साथ कैमरा करते रहना, बाकी तो मैं आके संभाल लूंगा। और उससे बोल देना कि हाँ मेरा भाई भी अभी आ रहा है, ताकि मैं पहुंचूं तो थोड़ा सा इम्प्रेशन पहले जमी रहे ना। बता देना भोकाल बहुत हैंडसम, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत गजब का लौंडा है भाई। सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी एकदम सब बता देना, इलाहाबाद से आ रहा है। ठीक है, लो कैमरा पकड़ो तुम जाओ। हेलो गाइस, मैं आपको मिलाता हूँ अपनी फ्रेंड काजल से। तो मैं क्या सोच रहा था, जो रॉबिन है वो तो हमेशा ही सबके साथ प्रैंक करता है, तो मैं सोच रहा था कि आज हम दोनों मिलके उसके साथ प्रैंक करते हैं, क्या बोलते हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो काजल। हेलो, कैसे हो? बढ़िया, तुम बताओ? मैं भी अच्छी हूँ। ये किसका कैमरा लेके जा रहे हो? ये मेरा ही है, मैंने न्यू ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया है, तो सोच रहा हूँ पहला ब्लॉग तुम्हारे साथ ही बनाऊँ। चलो अच्छी बात है, जब मैं अपनी वीडियोस बनाती हूँ अपने फोन में तो तुम्हारे साथ बनाने में क्या दिक्कत है? मैं क्या बोल रहा था कि मेरा एक भाई है रॉबिन, वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाता है, वो ना प्रैंक करता है सबके साथ। अच्छा, तो ये वीडियो भी उसी की और ये कैमरा भी उसी का है। तो तुम उसके कैमरे से वीडियोस क्यों बना रहे हो? सुनो, उसने मुझे भेजा है, वो सोच रहा है कि हम दोनों मिलके तुम्हारे साथ प्रैंक करें, क्योंकि दो दिन पहले मेरी कजन आई थी, उसके साथ भी उन्होंने प्रैंक किया था। आज उसने बोला कि किसी और को बुला, उसके साथ भी प्रैंक करते। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अब हम दोनों मिलके उसके साथ प्रैंक करते हैं। ये तो और अच्छी बात है, जब वो सबके साथ प्रैंक करते तो हम क्यों नहीं कर सकते। चलो आज उन्हें भी मजा चका ही देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैंने उसको ये बोला है कि तुम्हारे पापा पुलिस में हैं और तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करती हो। पागल हो क्या, तुमने ये क्यों बोला कि मेरे पापा पुलिस में, मेरे पापा पुलिस में नहीं है? तू, अरे तो उसे क्या पता। अरे अगर पता चल जाए फिर? ना, नहीं पता चलेगा ना उसको, और प्रपोज करेगा, इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा, और तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा करना है उस पे। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, दोनों साथ में ही बनाएंगे, दोनों साथ में ही प्रैंक करेंगे फिर। बिल्कुल, मजा आएगा यार। ये लो, आ गया हमारा रॉबिन। यही है मेरा भाई। हाय। और ये है मेरी फ्रेंड। ओके, इन्हीं के बारे में बता रही थी क्या? बिल्कुल, ये मुझको आपको दिखलाने ले आया है, बोला कि बहुत अच्छी है, चल के मिल लो, उनसे ब्याह करना है तुमको। अरे ये लड़की ढूंढ के रखी है। ये तो कुछ ज्यादा हो गया, ये तो ज्यादा ही बोल दिया होगा फिर उन्होंने। नहीं, यही तुम्हारा फ्रेंड बोला है भाई। वो मेरे फ्रेंड है। मैंने कुछ नहीं बोला, उसे भी पता, उसे मुझसे पूछ रहे काय घूम रहे हो भाई। बस व्लॉग चैनल स्टार्ट कर दिया, क्या करूं, मैं भी फेमस होना चाहता हूं। बना ही सकते हैं। अच्छा, तुम भी करती होगी? हां, वाओ। हेलो गाइस, थोड़ा बहुत मैं भी कर लेता हूं ना, तो इसीलिए मैंने भी हेलो गाइस बोल दिया। और चलो आगे चलोगे यहीं खड़े? चलो चलो, हां क्यों नहीं। अच्छी, इतनी सुंदर लड़की, सही बात है यार, तुमने अच्छी लड़की दिलवाई मुझे। थैंक यू सो मच गज्जी, जो आपने मुझे इतनी अच्छी लड़की से इंट्रोड्यूस। तुम्हें दिलवाई नहीं है, बस मिलवाया है भाई तुमसे। तो पहली मीटिंग के बाद दूसरी मीटिंग ना, दूसरी तीसरी मीटिंग नहीं होगी ऐसा नहीं है। देखो, ये तो आपने कुछ ज्यादा ही लंबा सोच लिया है। अभी वो मेरे फ्रेंड है, तो आप उनके भाई हैं, इसीलिए उन्होंने सोचा कि आप भी वीडियोस बनाते हैं, वो भी वीडियोस बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, तो तीनों साथ में ही मिल जाए, इसीलिए उन्होंने मिलवा दिया। तो इसका मतलब ये थोड़ी है, आप फ्यूचर के लिए ही सोच लो। देखो, अब देखो कंटेंट कैसे बनेगा, भैया भाभी देवर शैतान। ये तो आप कुछ ज्यादा ही देवर, बहुत अच्छी वीडियो, ये गलत भाई देवर कुछ ज्यादा ना हो गया। थिंकिंग भी कुछ ज्यादा आगे जा रही है। और पहली बात तो आप दूर से बात करो, इतना तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ भी नहीं। हाँ, इतना तो मुझसे भी नहीं चिपकती। वो देवर है, देवर और देवर उसमें अंतर होता है। देखो, देवर की बात नहीं, वो मेरा भाई है, मेरा फ्रेंड है, लेकिन आप उसके भाई हो तो फिर मेरे भी भाई लगे। ऐसा है, हमारे पास घर पे एक बहन है, वही बहुत है, बीबी बनना है तो बोलिए। देखो ऐसे तो बीबी भाई को ज्यादा नहीं हो गया, वो तो मेरी फ्रेंड है। ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ? आपको ये नहीं पता मैं कौन हूँ? तो आपको ये इन्होंने बताया नहीं होगा? आपको नहीं पता आप कौन हो?
मेरे पापा पुलिस में, आपको ये पता है? मेरे पापा DIG हैं। तो DIG है तो उसी लिमिट तक रहो, ये नहीं हर किसी लड़की को आप प्रपोज कर दो। मैं कर सकता, मैं हर किसी को थोड़ी कर रहा हूँ, मैं आपको कर रहा हूँ। आप मुझे अच्छी लगी, सुंदर लगी, आज आप मुझे करो लिमिट से। सुंदर लगी, आज आप मुझसे बात कर रहे हो, कल किसी और से बात कर लोगे? नहीं नहीं, मैं क्यों नहीं, लॉयल लड़का हूँ। चल झूठा, मुझे तो छोड़ ही दिया तुम लोगों ने। नहीं मुझे तो छोड़ ही दिया तुम लोगों ने यार, संबंध है क्या इनसे? मेरी फ्रेंड है यार, भाभी बन जाएगी। नहीं यार भाभी नहीं यार, तो वो मेरा फ्रेंड है और आप उसके भाई हैं, तो मेरे भी भाई लगे। तो आप यहीं तक देखो, अभी मैंने आपको हाय बोल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भाभी बन गई, आपकी वाइफ बन गई, उनकी भाभी बन गई। वो मेरा फ्रेंड है, आप उसके भाई हो, तो मेरे भी भाई। तुम भाई बन जाओ यार, भाई बन जाओ यार, इतने लड़की यार इतना प्यार से बोल रही है, तो भाई बन ही जाओ ना। भाई किस्मत वालों को बनते हैं, भाई किस्मत वालों को मिलते हैं, पति भी तो किस्मत वालों को मिलता है, पति तो हर किसी को मिल जाता है, दूर भाई से भी तो मिल जाता है। तो इसको बना देना, आप काफी लंबे तो हम तो बहुत पुराने फ्रेंड है यार, तुम अभी नए नए बने हो, तुम तो कुछ भी बन सकते हो, भाई बन जाओ। डेटिंग तो कर सकते हैं ना, क्यों कर सकते हैं, अभी आपको 2 मिनट नहीं हुई बात की है, डेटिंग करने की सोच रहे हो? मैं थोड़ा फास्ट हूँ गाइस, इसीलिए मैं थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, क्या करूँ, मैं फास्ट हूँ ना यार। ये गलत है, ये गलत, फास्ट हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी सोच लोगे। ऐसे मेरे पापा पता है पुलिस में, अभी मैं फोन कर दूँ उनको एक, तो अभी आ जाएंगे यार, यहाँ आ जाएंगे। यहीं अगल बगल है क्या, इतने खाली है? हाँ यही, इतने खाली है, वरना तेरे को डर नहीं लगता? एक मिनट तो मैं बात करा दूँ फिर? नहीं बात ना करा दो, जाने दो। बात क्यों नहीं, अभी एक मिनट मैं कॉल कर लेती हूँ, बहुत ज्यादा हो गया है। नहीं बहुत ज्यादा, दूर से बात करो, दूर से बहुत ज्यादा बात हो रही है। नहीं हो रही, दूर से। क्या बोले थे? मैंने बोला था तुमसे गुस्सा हो जाएगी तुम यार। कोई बात नहीं, गुस्सा थोड़ी है, ये तो मोहब्बत है। तुम क्यों लेकर आए इसको, कौन है ये भाई है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कुछ भी, भाई है तो इतना ओवर बोल जाएंगे। दूर से बात करो। अरे सुनो, दूर से बात करो ना, दूर से बात करिए। मैं अभी पापा को फोन कर दूंगी, फालतू तुम्हारी। नहीं नहीं, कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है फालतू में। दूर से बात करो, कैमरा बंद करो। अभी तो तुम उसके साथ वीडियो बनवा रही थी, वीडियो बना रही थी, इसका मतलब ये थोड़ी तुम मुझे प्रपोज कर दो, कुछ भी बोल दो मुझसे आके। मेरे पापा पुलिस में, तुम्हें ये पता है? अभी फोन कर दिया ना, अभी आ जाएंगे यहाँ। कैमरा बंद करो। अच्छा नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा भैया, नहीं बोल, चलने दो, इसका बेचारे का पहला वीडियो है, मैं भी ऐसा कर लो कि कहाँ काम चलेगा। पहला वीडियो है, इसका मतलब ये थोड़ी कुछ भी बात कर जाओ तुम जाके। कोई भी लड़की मिलेगी, किसी से भी कुछ भी बोल दोगे तुम। भाई मना किया था तुमको यार, गुस्सा कर दिया यार तुमने। मना क्या किया था, लेके क्यों आए? मैं तो मिलवाने लाया था यार, तुम मिलवाने ऐसे लाते हैं? क्या बताऊं यार, तुम भी यार रॉबिन। मैं एक बार पापा को फोन ही कर देती हूं। अरे यार कॉल मत करो यार, मान जाओ यार, फोन करने दो। नहीं नहीं, हेलो यार कॉल मत करो। हेलो भाई, क्या हो गया? हां पापा, अरे जाम हो गया, फोन कर देगी क्या? ए भाई, ए गज्जी देख भाई, उसको कॉल कर दिया। क्या कॉल कर दिया यार, आ जाओ जल्दी, बहुत एक लड़का पागल हो गया है। अबे भाई ये बवाल हो गई, कर लो यार, मैंने मना किया था तुमको। क्या मना किया, मना किया था ना, उसके साथ नहीं करना, कर दिया उसने कॉल। ए सॉरी यार, सॉरी कुछ नहीं, अब मेरे पापा आने वाले हैं बस। अरे सॉरी, मैं सॉरी कर रहा था, सॉरी कुछ नहीं, वीडियो बना रहे थे हम। वीडियो क्या, वीडियो ऐसे वीडियो बनाते हैं बस, हवा निकल गई। अरे कुछ भी, उसका चैनल नहीं है, मेरा चैनल था। किसी का चैनल हो, इसका मतलब ये नहीं कैसे भी वीडियो बना लो, लड़की देखी और तुम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। अरे हमारा चैनल से वीडियो बनती है, हमारा चैनल है, इसका मतलब नहीं कुछ भी वीडियो बना लो। सॉरी बोल रहा हूँ भाई, कान पकड़ के बोल रहा हूँ सॉरी, और क्या बोलूंगा अब। सॉरी की बात नहीं है, बात करने का तरीका होता है। नहीं नहीं, अब पापा आएंगे, वही बात करेंगे, जो भी है क्लियर हो जाएगी। कर लेना रिश्ते की बात अपने पापा से, पापा मना किया था मैंने तुमसे, समझ में नहीं आ रहा था तुम्हारे। अरे सॉरी, उसके पापा को जानते नहीं हो, मैंने बोला था तुमसे पहले ही। देखो मैंने पहले ही बताया ना, मेरे पापा पुलिस में है, तुम्हें फिर भी समझ में नहीं आया, फिर भी वीडियो बनाने के लिए कुछ भी थोड़ी ना बोल दोगे। अरे यार तुम तो समझ सकती हो, क्या समझ सकती हो, मैं भी वीडियो बनाती हूँ, मैंने तो कभी नहीं बोला, किसी को प्रपोज नहीं किया मैंने वीडियो बनाने के लिए। अरे तो अलग अलग ऐसे ही फेमस हो जाता है वीडियो बना के, किसी तरीके से फेमस हो गए। नहीं डालेंगे वीडियो, और क्या भाई, सॉरी बोल रहा हूँ, और क्या, पापा को आप मना। पापा आ जाए ना, तब उनसे बात कर लेना रिश्ते की मेरी, ठीक है? उनसे बोल लेना मैं वीडियो बना रहा था, स्टेप कर दो आप, मैं मना नहीं करूंगी अब, मेरे पापा आगे ही बताएंगे। अब पहले तुमसे मना कर रहा था, तब तो तुम्हारे समझ में नहीं आया, बना लो अब वीडियो। अरे बोल रहा हूँ यार, पापा को फोन करके अब पापा आ रहे हैं ना, अब मैं उनको एक बार कॉल करके और पूछ लेती हूँ, पापा आ रहे हैं वही बता। अरे यार मना करने, पापा आ रहे हैं ना, कैमरा बंद कर दो अब तुम। मैंने देख लिया तुम्हारे भैया की कितने ब्लॉग्स बनाते हैं, कितनी वीडियोस बनाते हैं, हवा टाइट हो गई ना इनकी 2 मिनट में। क्या भाई रॉबिन, डर गए क्या? देख लो इनका मुंह अच्छा खासा है। अरे यार तुम्हारी शक्ल पे 12 बज गया, शकल देखो गाइस रॉबिन की, देखने लायक है। मना कर दो अपने, देखो प्लीज, मैं प्रैंक ही कर रहे थे।
भाई जैसे तुम प्रैंक कर सकते हो हम नहीं कर सकते क्या? ऐसे हम नहीं कर सकते, हम आगरा के हैं, ऐसे ही थोड़ी है। दिखा दिया तुम्हें आगरा वाले कैसे प्रैंक करते हैं। क्या हुआ भाई, कुछ बोलो, बोलो कुछ। तुमने की है मतलब? बोलो बोलो। शकल पे 12 बज गया भाई तुम्हारे। ये जो है ना विभीषण, जब तक जिंदा रहेगा तब तक रावण का भला नहीं हो सकता। बात तो सही है, अभी नहीं हो सकता ये मैं मान लिया। ये अगर ये विभीषण ना होता तो ऐसा कुछ ना होता। देखो वीडियो क्या बनाते हैं। अरे यार तो इतना ऐसे कौन चिल्लाता है, पापा फोन लगा रहे, फोन उन्होंने लगा दिया। आपने प्रैंक किया ऐसे, हमने आपके साथ प्रैंक कर दिया, बात बराबर। प्रैंक करना सिर्फ तुम ही जानते हो क्या? देख लो हम आगरा वाले भी हैं भाई, आगरा वाले हैं गाइस। देख लो ये भी प्रैंक करना जानते हैं, वीडियो बना ले। अरे यार भाई साहब मैं समझ नहीं पाया, बताओ। सपोर्ट भी करना है इनके डर की वजह से। वाह देखो ऐसे ऐसे सपोर्टर्स हैं मेरे। अरे यार तुम इलाहाबाद आओ हमारे साथ, इलाहाबाद में वीडियो बनाना। अच्छा है, अच्छा है एक्ट किया भाई, पहले की वीडियो डलेगी तब। ओके चलो गाइस, आज मेरा पोपट हो गया, कोई बात नहीं। मैं बताऊँ दूसरे शहर में आके मैंने पोपट करवा लिया, इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी मेरे लिए। गजब बेइज्जती है गोविंद, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल देखने दिखाने लायक थी। देखने दिखाने नहीं, तुम्हारे वजह से ये गद्दार कहेंगे। गाइस गद्दारी कर गया ये लड़का, नहीं तो कुछ ना होता ऐसा। चलो ठीक है, बहरहाल बाकी आप लोगों को वीडियो देख के मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। बाकी हाँ मेरे तरफ से बहुत बढ़िया एक्टिंग की आपने। गाइस आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी एक्टिंग किया इन्होंने, बढ़िया तो किया मेरे समझ से। आप लोग भी बताना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टाटा बाय।